नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। चिनोर कृषि उपज मंडी में बनाए गए खरीद केंद्र पर ईटमा संस्था द्वारा चना सरसों की खरीद शुरू कर दी गई। किसानों के पास एसएमएस से पहुंचने के बावजूद किसान खरीद केंद्र चना सरसों लेकर नहीं पहुंच रहे हैं। नोडल अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा का कहना है कि चना सरसों के 330 कुल किसानों के पंजीयन हुए हैं। 29 अप्रैल से हमारे द्वारा चना सरसों की खरीद शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी तक एक भी किसान फसल लेकर नहीं आ रहा है। किसानों के पास 18 किलो से लेकर 150 किलो तक के ही एसएमएस से पहुंच रहे हैं। जब किसानों से फोन लगाकर बात की गई तो उनका कहना था कम वजन के एसएमएस आ रहे हैं, इसलिए हम फसल लेकर नहीं आ रहे हैं। जब बड़े किसानों से बात की गई तब उन्होंने कहा अभी हम गेहूं से फ्री हो जाएंगे, तब लेकर चना सरसों तुलवा लेंगे। चिनोर से संवाददाता ज्ञान सिंह मौर्य की रिपोर्ट। मैं आप और किस पद पे हैं? मेरा नाम अनिल कुमार मिश्रा है, मैं यहाँ नोडल अधिकारी हूँ। और अभी तक गेहूं की तुलाई चल रही थी, बुधवार से 29 तारीख से चना सरसों और मसूर का भी काम शुरू हो गया है। किसानों के मैसेज भी आ रहे हैं, परसों 6 किसानों के मैसेज आए थे, कल 12 किसानों के आए थे सरसों के और चने के। लेकिन किसानों को फ़ोन करके जब उनसे पूछा तो किसानों के अभी छोटे छोटे मैसेज आ रहे हैं, तो उनको लाने में दिक्कत हो रही है। उनका ये बोलना था कि साहब हमने जो पंजीयन कराए थे वो इसलिए कराए थे कि हमारे ही सेंटर पे तुलाई होगी, अब इतनी दूर ले जाएंगे तो वो संभव नहीं है। ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाना 50 किलो 1 क्विंटल 2 क्विंटल के लिए, तो बोले हम नहीं ले जा रहे। कुछ किसान जो जिनके 6 क्विंटल 7 क्विंटल के हैं मैसेज, उनसे बात हुई थी तो बोले कि अभी गेहूँ की तुलाई में ट्रॉलियाँ हमारी खाली नहीं है, जैसे ही खाली होंगी वैसे ही हम लेके आएँ।